9,53,500 रुपया। कंटेंट के लिए हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, देख लो भाई आ चुका है बंदा, वेलकम है आपका भाई हमारी गाड़ी पे। अगर किसी चीज की जानकारी लेनी होगी तो हमारे जितना भी हमने अपना बादशाह कहाँ पे बेच दिया या है वो किसी, मेरे ब्लॉग भी नहीं डाला कुछ, मतलब सरप्राइज का वेट करो अभी नहीं, अगर हमारा भी अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफएमसी व्लॉग। तो भाई आज बड़े दिन हो गए हमें यहीं पे खर्चल होते हुए, कोई मतलब कहीं का भी माल हमारा बन नहीं रहा है, तो आज हम लोगों ने सोचा है कि चलो बहुत सारी डिमांड थी गाड़ी की, भाई ईएमआई कितनी है, कितना खर्चा हुआ है, क्या है वो सारा, ये वाला व्लॉग आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं क्योंकि इस व्लॉग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो चले आ जाओ भाई, बनाते हैं ब्लॉग। आ चुके हैं भाई ब्लॉग स्टार्ट करने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ही ज़्यादा, कम भी नहीं बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो आपको आज हम पूरा डिटेल बताएंगे भाई क्या क्या हमने खर्चा किया है गाड़ी को, इस गाड़ी को रोड तक लाने के लिए, बनाने के लिए, मतलब गैरेज से लेके दोबारा आरटीओ ऑफिस तक कितना खर्चा आता है पूरा सरन से घूम के बताएंगे। भाई अभी हम हिसाब ही कर रहे थे तो आज अचानक से एक बंदा और आ चुका है, एक ट्रांसपोर्टर और एक यूट्यूबर की हैसियत से बुलाते हैं हम आपको, आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम आपका, अचानक ही बंदा आ गया है। कंटेंट के लिए हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, देख लो भाई आ चुका है बंदा, वेलकम है आपका भाई हमारी गाड़ी पे, आप थोड़ा सा पीछे होके बैठो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं हम। तो बहुत ही दिनों से हमें कमेंट आ रहे थे भाई आप लोग बताते नहीं हो गाड़ी पे कितना खर्चा आया रोड पे आने का, मतलब गाड़ी कितने में ली, कैसे ली, कैसे ली, क्या किया, क्या तरीका था, मतलब कितना खर्चा हुआ, क्या किया, वो सारा बताओ, तो आज बता दिया जाए। बिल्कुल बता दिया जाए। तो आज भाई हम लोगों ने आपके लिए पूरा जुगाड़ फिट करके रखा है, मतलब ये अपने पास रफ रखा हुआ है, आपको पूरा बोल के बताएंगे, बता दिए, बता दिए। तो सबसे पहले की बात है भाई, हमने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी 40 लाख में, 40 लाख गाड़ी में फाइनेंस, 40 लाख गाड़ी टोटल कितने में आई अब बता रहे हैं सारा, 40 लाख गाड़ी पे फाइनेंस है, ऐसे गाड़ी थी मतलब 45 लाख की, सॉरी 44 लाख की, उस पर हमें डिस्काउंट था कोई 6.5 लाख रुपया, मतलब 38 लाख की चेसी थी, हमने 1.5 लाख एक्स्ट्रा वो करवाया, ठीक है। अब उस पर सबसे पहली बात आ जाती है गाड़ी गैरेज से निकलने से पहले इंश्योरेंस, वो जो हमारी इंश्योरेंस हुई थी कितने की हो सकती है, 66 की। हाँ जी 66,000 भाई इंश्योरेंस का हो गया हमारा, सबसे मेन जो चीज़ है। उसके बाद गैरेज से निकलने के बाद का जो आगे का खर्चा स्टार्ट होता है, जो गैरेज में छोटा मोटा वो तो हम गिनेंगे नहीं, उसके आगे जो खर्चा स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले यहाँ से जम्मू से सरहंद से दोबारा जम्मू टोल और डीजल डाल के 20,000 रुपया खर्चा है, 20,000 है ना, इतना 20,000 रुपया वो खर्चा आ जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है आगे का काम वहाँ का सरहंद का, 1.5 महीना मैं वहाँ पे रुका था। अब बोलेंगे भाई रोटी का भी आप गिन रहे हो, रोटी का भी मतलब जो खर्चा है वो तो हम सारा बताना है ना, टोटल ऑल गिनना पड़ेगा ना, 10,000 रुपया हमने लगाया है मोटा मोटा, मतलब जो अपना रोटी छोटी का खर्चा। उसके बाद आगे का काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले पैचिंग का काम स्टार्ट हुआ, उस पर हमारा खर्चा आया 13,000 रुपया, 13,000 पैचिंग का। हाँ अब वो आप पूछोगे वो कैसे आया, मैं भी पूछने लगा क्योंकि आप बंदा भी बोल, मेरी 10 तैयारी पे 6,000 का आया था, 6,000 आया था जी। तो अब आपका सरप्राइज बता दें पहले कि अभी कोई प्लान नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं है, फिर भी ये बैठा है हमारे पास, ये भी नहीं पता यूट्यूब पे अपना बादशाह कहाँ पे बेच दिया या है वो किसी, मेरे ब्लॉग भी नहीं डाला कुछ। अच्छा चलो ठीक है, वो डाल दूंगा वो काम रहेगा ऐसे ही सीक्रेट ही, ठीक है। पैचिंग का ये है कि 8,000 रुपया हमारा लगा था गाड़ी को, जो पैचिंग करवाई थी, प्रेशर की टंकी अंदर करवाई थी, फिर और क्या करवाया था, स्टपनी पीछे करवाई थी, कोनिया, हाँ 8,000 वो लगा था। हैंड ब्रेक यहाँ थी, यहाँ से निकाल के आगे करवाई वो, और सेंटर वायरिंगों पे जो कोनिया लगवाई, लगवा लेना अगर लोगे 14 टायरी तो, वो जरूरी है कोनिया,
सेंटर पर रहूंगा, क्योंकि जब बॉडी बन जाती है उसके बाद नहीं होते। वैसे अगर किसी चीज़ की जानकारी लेनी होगी तो हमारे जितना भी हमने सरहंद में काम करवाया वो ब्लॉग खोल के देख रहना कि क्या क्या करवाया। बार बार फोन करके तंग मत करना, ठीक है? नहीं करूंगा। हाँ, मतलब 5,000 रुपया उन्होंने लिया था, 8 और 5 कितना हो गया, 13,000। हमने उसको पैचिंग का नाम ही दे दिया 13,000 रुपये। फिर उसके बाद बाडी वाले की बात आ गई, 6,20,000 रुपया लखे ने हमारे से लिया था बाडी बनवाने का। वो मतलब इतना रेट है, हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये मौके की बात है, ठीक है? फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डीजल टैंकी लगवाई, 13,000 रुपया वहाँ पे खर्चा आ गया। प्लस उसने एक पानी वाली टैंकी भी छोटी सी लगा के दी, जो अब वो बेकार है, उसका पानी ही नहीं रुकता उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी जाती है कलर पे, ठीक है? कलर का मतलब शो का कुछ पित नीचे बत्तों बुतों को एक्स्ट्रा जो हमें देना पड़ा था 8,000 रुपया हमारा एक्स्ट्रा ले लिया था उन्होंने। इलेक्ट्रिशियन की लेबर जो ये वायरिंग वगैरह हुई है जितनी भी एक्स्ट्रा, बॉडी वाले क्या करते हैं, सिर्फ 5 लाइटें देते हैं, एक इधर 2 और एक इधर खाना बनाने के लिए 3 और 2 टूल पे देते हैं। पर हमने उनसे एक भी नहीं ली थी, हमने अपने से ही लाइटें लगाई हैं। उसका हमारा मतलब जो लेबर का है वो 6,000 रुपये लगा था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं, रेडियम जो करवाई गई है गाड़ी को, जो टेप पे बोलते हैं, जो 3M का काम हुआ सारा, वो कौन है इसका क्या काम करेगा? तनो राशन दे तो क्यों है काली रोटी नहीं नगला तो यो ना यार, भुखे मारे कसम है काली दे। अब आगे आगे नेक्स्ट काम रेडियम का क्या क्या करवाया गया है, मतलब जितना भी आप देखते हो हमारी ब्लॉग में गाड़ी का, जितनी भी रेडियम है ये सारा 3M का काम हुआ है। और इस पे हमारा लगा था राजा जी 35,000 मुझे आपने तभी भी बोला, हाँ 35,000 रुपया हमारा वो लग गया था, ठीक है? अब रेडियम भी होगी, सब कुछ पैचिंग भी हो गया, बॉडी भी होगी, टैंकी होगी, हाँ टैंकी भी होगी, कलर भी हो गया, इलेक्ट्रिशियन भी हो गया, एक्सेसरी का सबसे बड़ी मोटा खर्चा जो आने वाला है, एक्सेसरी जितना भी इलेक्ट्रिशियन का सामान, ये बिल कप जितना भी, मतलब जालर ये, अब देखने को कुछ नहीं लगता है कि क्या करवाया, कुछ नहीं है। जितनी भी ये तारें आई हैं, लाइटें जितनी लगी हुई हैं, सारा मतलब मिला के उसमें जितना भी खर्चा आया वो कितना आया, 50,000 रुपया। अभी हमारे स्टेरिंग की प्राइस तो ऐड ही नहीं हुई है, ये तो भाई ये तो गिफ्ट आ गया ना, हमें गिफ्ट था, जिसके बारे में ये मिस्टर बोलता है कि मैंने पहले लगाया, मैंने पहले आपकी वीडियो देख के लगाया, अब मैं क्यों झूठ बोलूं? हां लेकिन पहले मैंने ही लगाया, ये भाई ये लगाया तूने मार्केट में, पहले हमने ये भाई आपने ये सिर्फ ऐसे दिखाया या कुछ किया, लेकिन लगाया मैंने पहले भाई, ये हमारी दोस्ती की निशानी है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है? ये बरनाला से स्पेशल पलविंदर जोहल 82 नत्ती वाले, हाँ 82 नत्ती वाले वहाँ स्पेशल सरहंद में आए थे, ये लेके गिफ्ट, ठीक है? उसके बाद इन्होंने लगाया, बहुत सारा कुछ किया, छोड़ो अब तो गंद पड़ा हुआ है, छोड़ो बातें, बहुत ज्यादा हुआ, हाँ पर हम ये उतार नहीं सकते, ये हमारी निशानी है। अच्छा, अभी तो भाई चेसी के साथ आ रहा है, हाँ, 50,000 नई गाड़ी में, क्रूज कंट्रोल वगैरह है ना, इसमें नहीं है, वहाँ जहाँ सच दी हुई ना कंट्रोल उतर आए। 50,000 रुपया जी एक्सेसरी का खर्चा है, ठीक है? सीट कवर जो ये सीट कवर डाले हैं ना, वो 2,500 रुपया मतलब वो दर्जी ले गया था हमसे, सीटें बना के भी, हाँ गद्दी वद्दी डाल के, हाँ सारा कुछ सीटें बना के, गद्दी गुद्दी तो बाडी वाले देते हैं। अच्छा, जो सीट कवर वगैरह है वो वाला, ठीक है? अच्छा, अब सबसे मेन चीज, अब सोचोगे क्या, गाड़ी पे रस्से और तिरपाल, 25,000 रुपया खर्चा आया है उस पे मेरा, जैक रस्सा तिरपाल, जैक बाहर निकालो भाई साहब, रस्सा तिरपाल, 30 kg रस्सा है, 3 तिरपाले हैं, 25,000 रुपया खर्चा आया, ठीक है? ये था भाई हमारी गाड़ी का छोटा मोटा खर्चा। अब फाइनेंस का 40,000 अलग रखेंगे और फिर उसके बाद हम टोटल करते हैं सारा कितना हमारा ये बनता है। बॉडी का कितना दिया था वो भी ऐड किया, 6,20,000, हाँ पूरा। अब भाई एक चीज मिस हो गई थी, वो भी डालने जा रहे हैं हम, 66,000 रुपया इंश्योरेंस आई भाई हमारी इस गाड़ी की, और प्लस 85,000 रुपया डॉक्यूमेंट पे हमारे J&K में, हाँ बाकी अपने स्टेट में पता कर सकते हो क्या क्या, नेशनल परमिट का 20,000
और 65,000 रुपया हमारे JNK का जो बेसिक परमिट आ गया, फिटनेस आ गई, RC आ गई, उस सब का डाल के 85,000 रुपया, मतलब टोटल 85,000। कितने साल के लिए? 5 साल का नेशनल परमिट, सॉरी बेसिक परमिट है हमारी स्टेट का, ठीक है। बाकी पासिंग जो होती है NPO का 2 साल के लिए, NP नहीं, एक ही साल का है, एक साल का, और NP एक साल, इंश्योरेंस भी 1 साल की, बाकी सिर्फ बेसिक परमिट फिटनेस 2 साल की है ना, फिटनेस 2 साल की बस, बाकी जो बेसिक परमिट है जी वो है क्या बोलते हैं उसको 5 साल, 5 साल का, ठीक है। ये भाई हो गया टोटल, अब मैंने टोटल किया हुआ है वो बताने जा रहे हैं हम आपको, इस पे 85,000 ऐड करना है खाली, 9,53,500 रुपया। ये ऑन रोड नहीं है, ये हो गया भाई 9,35,000, ये हो गया 40,00,000 गाड़ी पे जो फाइनेंस करवाया मैंने, ठीक है। गाड़ी तो 38,00,000 की गिना जाएगा ना, 38,50,000 की गाड़ी है, 9,53,500 अभी गाड़ी गैरेज में ही खड़ी है, बाहर नहीं निकली है। अब बाहर निकालने के लिए 1,00,000 और एक्स्ट्रा पास में चाहिए, फिर जाके गाड़ी रोड पे चलती है। रनिंग एक चौथी चक्की के लिए 1,50,000 चाहिए कम से कम, चलो कम से कम भी, मतलब कम से कम भी 1,00,000 रुपया जो है वो है, अगर मतलब सही अगर देखा जाए तो 1,50,000 रुपया गाड़ी के पास रनिंग कैश होनी चाहिए, फिर आप तंग नहीं होगी, क्योंकि अगर आप रनिंग कैश कम रखोगे फिर आपको तकलीफ रहेगी। और एक सजेस्ट में और करूंगा, देखो कैश ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 होनी चाहिए, कम से कम 1,00,000 होनी चाहिए, 1,00,000 से कम हो तो फिर ये गाड़ी हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडवांस के चक्करों में रहोगे तो वो बहुत। किस्त के बारे में बता दो, अब कुछ नहीं होता, और ये दिखा दो कितनी कमाई हो रही है, किस्त कैसे निकल रही है, बच रहा है। देखो भाई मेरी बात सुनो, उसके लिए और महंगे हो गए, उसके लिए मैं आपको स्पेशल एक व्लॉग दिखाऊंगा कि हमें क्या बच रहा है। मैंने अभी तक 2 महीने में 4 चक्कर लगा दिए, पर वो स्पेशल एक ब्लॉग देंगे हम आपको इसके लिए। हाँ, गाड़ी की EMI कितनी है वो बता सकते हैं, 72,000 रुपया गाड़ी की EMI है, 7 साल का गाड़ी पे फाइनेंस है। ये हमारा जो है अपने इधर की JNK बैंक, अपने JNK की है, वहां पे हमारा फाइनेंस है, और भी बहुत सारी बैंक है जहाँ से आप फाइनेंस करवा सकते हो, वो अपने अपने पे डिपेंड है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट पे डिपेंड है, ऐसा ही हो सकता है ना। वैसे तो आज का ब्लॉग बस वही इतना ही, अब इस ब्लॉग को एडिटिंग करने में टाइम लगेगा, और जो स्पेशल हमारे अल्ताफ जी इसको आज पूरी रात लगाएंगे एडिटिंग करने में, फिर जाके ये ब्लॉग आपके पास कल आएगा। मेहनत मेरी होती है सारी, बस ये डायलॉग है, डायलॉग स्क्रिप्ट है, ये सिर्फ स्क्रिप्ट है भाई, जो क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर है उसी की तो सारी मेहनत होती है। सही बात, हम तो आपके एक्टर हैं भाई, हम आपको एक्टिंग करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे है आपका काम है, आगे आपका काम है, संभालो नहीं संभालो आपकी मर्जी है, संभालना तो पड़ेगा ना। तो मिलते ठीक है, साथ ले चलोगे अब? आप एक मतलब सरप्राइज का वेट करो, अभी नहीं, अगर हमारा भी 40,00,000 फाइनेंस हो गया तो। हाँ, सरप्राइज का वेट करो भाई, हो सकता है कुछ भी, 14, 16, 12, 10 तो नहीं, 12, 14, 16 6 भी लगाओ ना, कैंटर नहीं नहीं वो कैंटर सेंटर मुझे पता इधर नहीं आ सकता है। तो चले ठीक है भाई, जाते हैं डिटॉल से नहाते हैं, कटाणु मारते हैं, जिन जिनको कटाणु है उनको डिटॉल से नहला देंगे। ओके बाय बाय बाय, करते हैं साथ साथ इस छोटे से ब्लॉग को यही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी तक जिन भाइयों ने यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं साथ साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पर, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।